नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला देर शाम कैथल पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आज यहां कोर ग्रुप की बैठक के लिए आया था और यह बैठक हमारी समय समय पर होती रहती है। मीडिया द्वारा पूछे जाने पर जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम कुमार गौतम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्या इस पर आपकी पार्टी को कोई संकट है? इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि सरकार को किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। जहां तक जननायक जनता पार्टी के विधायक राम कुमार गौतम की बात है, यह उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। वह आपस में मिल बैठकर तय करेंगे कि कैसे उस पार्टी में आगे बढ़ना है, लेकिन सरकार स्थिर है और सभी विधायक, चाहे वह जननायक जनता पार्टी के हैं या निर्दलीय हैं, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किस प्रकार का हरियाणा विकास के पथ पर अक्सर हो, इस बात के प्रयास में लगातार लगे रहते हैं। पत्रकारों ने पूछा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत 15 दिनों का समय दिया गया था, अब काफ़ी समय हो गया है, क्या परिणाम रहे? इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि कोई समय नहीं निकला है। दोनों पार्टियां आपसी तालमेल से जिन जिन विषयों के ऊपर तुरंत एक्शन लेना है उन पर एक्शन लिया जा रहा है। समयबद्ध तरीके से जिन जिन क्षेत्रों पर आगे बढ़ना होगा दोनों पार्टियाँ आगे बढ़ेंगी। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर कि यह जग जाहिर है कि प्रदेश के ऊपर काफ़ी कर्जा पड़ चुका है और दुष्यंत चौटाला ने 5100 रुपये पेंशन देने की बात पर कह रहे हैं कि अब उन्हें प्रदेश की आर्थिक स्थिति देखनी होगी, आप क्या कहते हैं? इस पर सुभाष बराला ने कहा कि कोई भी फैसला लेने के लिए प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखना होता है। अगर आर्थिक स्थिति हो नज़रअंदाज करके फैसले लिए जाएंगे तो प्रदेश के लिए समस्या खड़ी हो जाती है, इसलिए जनहित को देखते हुए सरकार ने 5 साल में भी फैसले लिए हैं और इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की छवि पॉपुलर हुई है और 3.5% वोट बढ़ कर मिला है। इसलिए आगे भी हमारी पार्टी और जननायक जनता पार्टी आर्थिक स्थिति को देखकर ही इस प्रकार के फैसले लेंगे और समय आने पर उचित साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो विधायकों के भत्ते क्यों बढ़ाए गए? इस पर बराला बोले, मैंने पहले ही कहा है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखकर ही फैसले लिए हैं। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। आज राम कुमार गौतम ने आज पार्टी पद से इस्तीफा दिया है जी। प्रदूषण से नाराजगी उनकी जी। उनका कि सरकार में अकेले वो पद लिए बैठे हैं, बाकी कोई काम नहीं हो पा रहे हैं जी। क्या सरकार को संकट है? देखिए, सरकार को कोई संकट नहीं है, लेकिन जहां तक जेजेपी के विधायक राम कुमार गौतम जी की बात है, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो आपस में मिल बैठ करके उसको तय करेंगे कि कैसे उस पार्टी ने आगे बढ़ना है। लेकिन सरकार स्थिर है और सब विधायक, चाहे वो जेजेपी के हैं चाहे निर्दलीय हैं, वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में किस प्रकार से हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर हो, इस बात के प्रयास में लगातार लगे हुए हैं। देखिए, आज हमारी यहाँ पे कोर ग्रुप की बैठक हुई है और ये कोर ग्रुप की बैठक हमारी समय समय पर होती रहती है। इसमें कोई तय एजेंडा नहीं होता, लेकिन क्योंकि अभी हमारा संगठन का चुनाव चल रहा है और कुछ अन्य कार्यक्रम, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ है उसके ऊपर कल कुछ कार्यक्रम तय करेंगे, ऐसे संगठन के चुनाव और चुनाव से लेकर के अब तक की जो गतिविधियां, इन सब बातों के ऊपर चर्चा आज की इस बैठक के अंदर हुई है। और जहां तक संगठनात्मक चुनाव की बात है, इस ज़िले में जो बूथ समितियों का चुनाव है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चला है और पूरे प्रदेश के अंदर हमने पहले इसको 25 तारीख तक तय किया था, लेकिन कुछ स्थानों के ऊपर बूथ समितियों का पूरा गठन नहीं हुआ है, इसलिए इस पूरे महीने बूथ समितियों का चुनाव हमारा चलेगा, इस बात की भी चर्चा आज की इस बैठक में यहाँ पे हुई है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेके समय दिया गया था 15 दिन का, समय निकल चुका है? देखिए, कहीं कोई समय नहीं निकला है, दोनों पार्टियों का ये मसला है और बहुत अच्छे तरीके से दोनों पार्टियां तालमेल के साथ जिन जिन विषयों के ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है और समयबद्ध तरीके से दोनों पार्टियों के एजेंडे से जिन जिन
कामों के ऊपर आगे बढ़ना होगा, सरकार बढ़ेगी। ये किसी से नहीं छुपा कि प्रदेश के ऊपर है जो कर्जा वो काफी बढ़ चुका है, लेकिन जेजेपी जो आपकी समर्थित पार्टी है उन्होंने कहा था कि 5,500 रुपए हम बुढ़ापा पेंशन करेंगे, लेकिन अब दुष्यंत चौटाला का कहना है कि हमें फाइनेंशियल कंडीशन देखनी होगी प्रदेश की। देखिए निश्चित रूप से जब व्यक्ति चुन करके आते हैं तो नए परिदृश्य में बहुत सारी बातों के ऊपर विचार करना होता है, और अगर जो आर्थिक स्थिति है प्रदेश की उसके आधार पर अगर फैसले नहीं लिए जाएंगे तो फिर प्रदेश के लिए समस्याएं खड़ी होती हैं। इसलिए जनहित को देखते हुए और प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए सरकार ने पूर्व में 5 साल में भी फैसले लिए और 5 साल में भी इस प्रकार के फैसले लिए कि एक ऐसी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर चली जो जिसने कोई पॉपुलरिटी जिसकी कम नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हम जब दोबारा चुनाव में गए हमारा 3.5% वोट बढ़ करके आया, तो ऐसी ही आर्थिक स्थितियों के अंदर ठीक समय के ऊपर ठीक फैसले लिए गए इसलिए सरकार अच्छी चली, और ऐसे ही फैसले अब हमारी भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन की सरकार है इस प्रकार के फैसले लेते हुए और समय आने पर उचित फैसले लेकर के आगे बढ़ेगी। अगर प्रदेश की स्थिति आर्थिक संकट में है तो फिर एमएलए का जो मासिक वेतन है वो क्यों बढ़ाया गया? देखिए मैंने एक बात कही है कि जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है उसके आधार पर उसको ध्यान में रखते हुए फैसले लेकर के सरकार आगे बढ़ती है। जी सर, एक नागरिकता संशोधन का एक्ट जो बना है उसको लेकर, मतलब उस पर भ्रम को दूर करने के लिए सभा बुलाई गई और पहली मार्च का जो प्रोग्राम था उसमें विधायक जी ने कुछ ऐसी बातें कही जो चर्चा का विषय बनेंगे। देखिए मुझे लगता है इस विषय के ऊपर काफ़ी बातें हो चुकी हैं और मैंने भी कल चंडीगढ़ के अंदर जो प्रेस थी उसके अंदर इस बात को स्पष्ट किया है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा की नहीं, इसकी मैंने कल विधायक जी से व्यक्तिगत बातचीत कर ली थी और ये एक किसी दूसरे संदर्भ में बात कही गई थी, उस दूसरे संदर्भ में कई बार बातें आगे निकल जाती हैं। थैंक यू, ठीक है।